हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर बैक विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, 4.2। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक गिवन होगी एंड यू हैव टू फैक्टराइज इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसके फैक्टर करने हैं, आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले देख लेते हैं कि हम फैक्टर करते कैसे हैं। सपोज वी हैव अ इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हम ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपको इसके फैक्टर करने क्या हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आए, बी आए। ये आई थिंक आपको क्वेश्चन करूँगी मैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया हम क्या करेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी की। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वन है। तो हम इस वन और इस टेन की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वन इंटू टेन करके कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 के इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं कि हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आए, मिडिल टर्म बी हमारा आए क्या आए, 3 आए। साइन को अभी ध्यान नहीं देंगे, अभी आप सिर्फ 3 पे फोकस करेंगे, साइन जैसा है वैसा का वैसा ही रहना पड़ लगे देंगे। तो हम 10 के क्या करेंगे, इस केस में जो भी हमारा मल्टीप्लाई आया उसके सारे हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स हम इसके निकाल लेंगे। तो अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आएगा, 3 आएगा, आएगा 3। तो दैट मींस हमारे एक ही फैक्टर्स करने से इसका सॉल्यूशन आ गया। तो हमारे फैक्टर क्या है, इस 3 के क्या है, हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 लिख सकते हैं। हमने किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं की, कोई चेंज नहीं किया, कोई भी साइन हमने इधर से उधर नहीं किया, हमने सिर्फ इस 5, 3 को 5 - 2 लिख दिया, ठीक है। चलिए करते हैं, अब इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। नीचे क्या हमारा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह हम 5 - 2 लिख देंगे, -10 इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे माइनस है, प्लस कर दूँ, प्लस है, माइनस कर दूँ, साइन नहीं छेड़ना है, ठीक है। जो बीच वाली टर्म है सिर्फ उसको ध्यान देना है और उसी के हमें फैक्टर करने हैं बस, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम ब्रैकेट को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा, x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, बाहर साइन माइनस प्लस का है तो प्लस आएगा, प्लस 2 x माइनस 5। इसकी एक और पहचान है कि आपने फैक्टर ठीक किए हैं, ये जो अंदर कॉमन आएगा ये सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी सेम नहीं आ रही, इसका मतलब आप क्वेश्चन में कहीं गलत कुछ करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों हमारी सेम है तो इन्हें हम कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 5 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर क्या बचेगा, इसमें से अगर x माइनस 5 में ले लूँ तो क्या रहा, सिर्फ x बचा, x लिखेंगे, और इसमें से जब हमने x माइनस 5 ले लिया तो सिर्फ क्या रहा, 2 रहा। तो कितना आ गया, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे रूट्स आ गए, इसके सॉल्यूशन आ गया, x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो वैल्यू हैं जो मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू 0 हैं, इसका मतलब दोनों इंडिविजुअल जो क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। इसे हम अलग 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, इसे हम अलग 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। करते हैं चलिए, तो हमारे रूट्स क्या आएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 5 उधर चलाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5, एक रूट क्या आ गया हमारा 5। दूसरा क्या आएगा, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। तो यहाँ पे हमारी ये दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स हमेशा दो आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है। हाँ जी, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है 2x स्क्वायर होगा ये, एक सेकेंड,
हाँ जी, टू एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके आपको फैक्टर करने हैं। फिर से हम क्या करेंगे, ए और सी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप रफ में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, रफ में करके देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ करके बता रही हूँ। तो टू इंटू सिक्स हमारा कितना हो गया, ट्वेल्व। अब ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर की हमारा क्या है, एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्वेल्व के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए इस ट्वेल्व के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, टू टू थ्री, दो दुनी चार, दुनी आठ, चार किया बारह, हो गए बारह के सिर्फ यही फैक्टर आएंगे। आते हैं ना करने, ऐसे करके करेंगे जब, ट्वेल्व तो टू सिक्स, टू थ्री, थ्री वन, इस तरह से हमारे इसके सारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब इन्हें इस तरह से तोड़ना या मोड़ना या जोड़ना है कि हमारा कितना है, कितना है इसके साथ, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वन है। इनको इस तरह से ब्रेक करना है हमें कि क्या है हमारा एक्स का, वन है। तो ध्यान दीजिए, टू इंटू टू फोर, और थ्री हो गया सिंगल, और फोर में से थ्री सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया, वन आया, हो गए फैक्टर। और फोर इंटू थ्री कितना, बारह, मल्टीप्लाई करके बारह आना है, और एड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना है, वन आना है, क्योंकि बी के साथ कितना है, वन है। तो कितना आ गया, फोर माइनस थ्री, तो इस वन को हम क्या लिखेंगे, फोर माइनस थ्री, बस अब आगे लिख देंगे इसी तरह से, ये एज इट इज रहेगा, ये साइन ऐसा ही रहेगा, सिर्फ इस वन की जगह कितना आ जाएगा, फोर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। चलिए ओपन करते हैं इसे, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, टू एक्स कॉमन आएगा, टू एक्स कॉमन गया, तो अंदर कितना रहा, टू एक्स कॉमन गया, टू एक्स स्क्वायर में से तो एक्स रहा, और प्लस इसमें से टू एक्स चला गया तो कितना रहा, टू रहा, ठीक है। अब इन दोनों में, इन दोनों में देखो माइनस है, यहाँ पूरा प्लस था, यहाँ दोनों माइनस है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और क्या कॉमन आएगा, थ्री कॉमन आएगा, थ्री कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x प्लस टू देखिए दोनों में है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा, 2x माइनस थ्री, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। तो चलिए करते हैं, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस टू, और दूसरा क्या आया, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू थ्री, x इज इक्वल टू थ्री बाय टू, दोनों रूट्स आ गए हमारे। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब रूट टू देखिए डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इस रूट टू और इस फाइव रूट टू की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट टू इंटू फाइव रूट टू इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट टू इंटू रूट टू टू, और टू इंटू फाइव टेन, कितना आ गया, टेन। अब इस टेन के हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं कि क्या है हमारा, सेवन आए, तो हम टू के टेन के फैक्टर कर लेते हैं। टू इंटू फाइव होता है, टू इंटू फाइव होता है, और टू और फाइव कितना होता है, सेवन होता है, हो गए फैक्टर। तो इस सेवन को हम क्या लिख सकते हैं, टू प्लस फाइव, ठीक है। इस रूट टू ने हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, हमने सिंपल इसे टू प्लस फाइव लिखा। चलिए अब आगे लिखते हैं, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। इसको अंदर पहले ओपन करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, नॉर्मली हम देखेंगे नहीं है कुछ भी कॉमन, लेकिन यहाँ पे रूट टू है और यहाँ पे टू है, इस टू को मैं रूट टू इंटू रूट टू लिख सकती हूँ। नॉर्मली कोई नंबर है टू है तो उसे मैं रूट टू इंटू रूट टू लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब इस टू में से मैं एक रूट टू कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रूट टू है, तो इस टू में से हम क्या ले सकते हैं, एक रूट टू कॉमन ले सकते हैं। एक रूट टू कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ एक रूट टू बचेगा, तो वही चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे हमने रूट टू एक्स कॉमन लिया तो यहाँ तो रह गया खाली एक्स, प्लस यहाँ से एक रूट टू चला गया, एक रूट टू रह गया, और एक्स हमारा चला गया बाहर, तो कुछ भी नहीं रहा। प्लस इन दोनों में से क्या आएगा, फाइव दिखाई दे रहा है तो फाइव आएगा, एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारा एक्स प्लस रूट टू कॉमन आया, और यहाँ पे क्या रहा, रूट टू एक्स प्लस फाइव। तो रूट्स क्या आ गए हमारे, दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे, एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू, एंड सिमिलरली रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू, ये फाइव इधर जाके माइनस फाइव, और रूट टू देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस फाइव रूट टू अपॉन टू, ठीक है। चलिए आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसके, फोर्थ पार्ट में क्या करें। हाँ
हाँ जी, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 2x² - x + 1/8। अब ये 1/8 बच्चों को परेशान करेगा, परेशान नहीं होना है। क्या करना है, 8 एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई करके इसे सिंपल बना लेता है ना। तो 8 हमने एलसीएम लिया, तो 8 की इधर मल्टीप्लाई हुई 16x² - 8x + 1 = 0। अभी 8 इस 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 0। ठीक है जी, 16x² - 8x + 1 = 0। सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब ऐसा ही हमारा कुछ क्वेश्चन बन गया। अब हमें क्या करना है, इस 16 into 1 की इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है, इस तरह से ब्रेक करना है। तो 16 into 1 कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। अब 16 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो करते हैं 16 के प्राइम फैक्टर, 2 into 2, 2 × 4 × 8 × 16। ठीक है, अब इनको इस तरह से तोड़ना मोड़ना या जोड़ना है कि हमारा क्या है, 8 है। देखिए, 2 × 4 × 8, अगर मैं इन तीनों को साथ ले लूँ तो ये 2 रह जाएगा, इसको मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मुझे तो 8 ही लाना है मैक्सिमम। तो 2 × 4 इधर के लिए और 2 × 4 इधर के लिए, और 4 × 4 कितने में, 4 × 4 8, और हमें कितना लाना है, 8 ही लाना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 4 + 4, 8 को कितना लिख सकते हैं, 4 + 4, और 4 × 4 = 16। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसे हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 + 4। चलिए करते हैं, ये हो गया हमारा 16x² - 4 + 4x + 1 = 0। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, 4x, कितना रहा, 4x - 1। इन दोनों में से -1 कॉमन जाएगा, 4x - 1 = 0। तो ये हमारा आ गया 4x - 1 कॉमन आ गया ये वाला, और अंदर भी क्या रहा, 4x - 1 = 0। दोनों सेम ही आ गए, तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे इसके, 4x - 1 = 0, तो x = 1/4, और दूसरा रूट भी क्या आएगा, x = 1/4। अब ऐसा नहीं है कि दोनों सेम आ गए तो आप सिर्फ एक x = 1/4 लिख के छोड़ देंगे, रूट दो ही आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको लिखने पड़ेंगे कि x = 1/4 and 1/4 दोनों आंसर हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका इसी के साथ। हाँ जी, 100x² - 20x + 1 = 0। इसके फैक्टर करने हैं, तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले किए थे, इस 100 और इस 1 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 100 × 1 = कितना आ गया, 100। अब इस 100 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो करते हैं कितने हो गए, 2 × 2, 2 × 4, और 25 × 4 = 16। तो 25 को भी हम लिख सकते हैं 5 × 5। ठीक है, अब हमें इसको इस तरह से जोड़ना तोड़ना या मरोड़ना है कि हमारा क्या आए, 20 आए। कैसे आएगा, 2 × 4 और 5 = 25। 25 और 4 को मैं जोड़ लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो नहीं होना, 20 तो नहीं होना, 21 हो जाएगा, 20 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को लूँ और इन दोनों को लूँ, 5 × 10 और 5 × 10 और 10 और 10 = 20 हो गया। तो इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 10, और 10 × 10 कितना, 100। तो चल लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे 100x² - 10 + 10x + 1 = 0। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। इन दोनों में से गया 10x कॉमन, अंदर क्या रहा, 10x - 1। इनमें से गया -1 कॉमन, 10x - 1 = 0। ये भी हमारा क्या हो गया, 10x - 1 10x - 1। तो 10x - 1 = 0, x = 1/10, एंड दूसरा भी क्या आया, x = 1/10। तो हमारे दोनों फैक्टर क्या आ गए, रूट्स आर सेम, विच आर इक्वल टू x = 1/10 and x = 1/10। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में इसने जो प्रॉब्लम्स दी हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें इसने प्रॉब्लम क्या दी है, x² - 45x + 3 × 4 = 0। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट भी साथ के साथ ही लिख लेते हैं, जिसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये दोनों पार्ट हैं जो हमारे एग्जांपल वन में इसने दिए हैं, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, अब इसमें आ गई वैल्यू बहुत, 4 आएगा। इस 324 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो चलिए करते हैं, 324 के हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, अब हमने कर लिए प्राइम फैक्टर। अब हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे, तोड़ेंगे या मरोड़ेंगे कि हमारा क्या है, 45 आए, 45 आए। तो चलिए देखते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। ठीक है, और 3 × 3 = 9, 36 × 9 = 45 आ गया एक ही बार में। सिंपल था, ऊपर वाले लिए और नीचे वाले दोनों लिए, और हमारा क्या आ गया, 45 आ गया। इसमें हम और भी तोड़ मोड़ के देख सकते थे, लेकिन ये हमारा सीधा आ गया। तो चलिए, इसे हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 36। इस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 प्लस 9। ठीक है, चलो लिखते हैं। इसे हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, x जाएगा बाहर, x माइनस 36 माइनस इन दोनों में से क्या जाएगा, अभी हमने 324 के यहाँ पे साइड में फैक्टर किए थे, आप लिखे रहने दीजिएगा। तो हमारे उस पर क्या आया था, 36 × 9 आया था। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों में से 9 कॉमन ले लूँ तो मेरा अंदर क्या बचेगा, x माइनस 36 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये मेरा आ गया, सॉरी 36 है, x माइनस 36 कॉमन गया, x माइनस 9। तो हमारे रूट्स क्या आ गए, रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल्स टू 36 एंड x इज इक्वल्स टू 9। इसे जब 0 का इक्वल इक्वेट करेंगे तो ये x इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, और इसे जब करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी में इसने सेकंड पार्ट और दिया है, 750 के हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं कि हमारा क्या है, 55 आए। तो चलिए, 750 के, क्योंकि इधर तो 1 ही है, तो 1 में मल्टीप्लाई करके भी 750 ही आना है, 750 के फैक्टर्स करते हैं। 5 से शुरू करते हैं, 25 का है, 75 में से तो भी नहीं आना, 25 × 2 = 50 और 3 × 5 = 15, 50 और 15 भी नहीं आना, 3 × 6 = 6, 6 × 6 = 6, 6 × 6 = 6, 30 और 5 × 25 30 और 25 आ गया, आ गया, कैसे आया, 5 × 25 और 3 × 6 और 5 × 30, 30 और 25 हमारे इसके आ गए 55 के फैक्टर। तो चलिए करते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 25, बस इसके आगे तो सिंपल वही हो जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स कॉमन गया तो कितना बचा, एक्स माइनस 30 माइनस 25 कॉमन गया तो कितना बचा, यहाँ पे भी 25 × 75 होते हैं, 25 × 3 = 30, तो माइनस 30 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स माइनस 30 कॉमन गया, अंदर क्या रहा, एक्स माइनस 25 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल्स टू 30 एंड x इज इक्वल्स टू, इसे 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो ये 25 उधर जाएगा, x इज इक्वल्स टू 25। सिमिलरली x माइनस 30 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 30। ये इसके रूट्स आ गए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज x 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इसने कहा दो नंबर्स, अब इसमें हम x और y करके टू नंबर्स तो मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक चाहिए। तो हम एज्यूम करेंगे, लेट नंबर्स आर, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों का सम कितना है, 27 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। ठीक है, एक x होगा तो दूसरा 27 माइनस एक्स, और गिवन क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू
182, दैट मीन्स x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया 180। अब ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। इसे इधर लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये इधर जाके नेगेटिव हो गया, और ये 180 पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम इस 180 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि क्या है हमारा 27 है, तो हमें 180 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर इधर साइड में कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गए इसके फैक्टर। हमें कितना लाना है, 27, 3 × 3 = 9 और 5 × 4 = 20, 20 और 9 = 27 नहीं होते, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 और 10 = 27 नहीं होते, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 और 15 = 27 होते हैं। ठीक है, 4 × 3 = 12, 12 × 15, ठीक है, कितना हो गया ये 12 + 15 हो गया, ये हमारा 27 हमारा क्या हो गया, 27 को हमने क्या लिखा, 12 + 15, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x - 15x + 180 इज इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन गया तो कितना रहा, x माइनस 12, माइनस 15 कॉमन गया तो कितना बचा, x माइनस 15 इंटू 12 180, 12 यहाँ पे मेरा कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, x माइनस 12 जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, वैन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना 12, और वैन x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो हमारे दोनों रूट्स क्या आ गए, 12 और 15। देखिए दोनों का सम कितना होगा, 27 होगा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 180 होगा। ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब बैक टू बैक, अगर एक x है तो एक दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा, अगर एक 2 है तो दूसरा 3 होगा, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। इसने कहा दो कंसेक्यूटिव, तो लेट करेंगे, लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। अब इसने कहा इनका स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है जी, ये इसने दी है वैल्यू, इसे हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ये 2x, ये x स्क्वायर ऐड होकर 2x स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2x इधर आया, और ये 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 364। अब देखिए पूरी की पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आके कैंसिल हो सकता है मेरा, तो 2 कॉमन आके कैंसिल करते हैं, ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2 × 2, इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा क्या बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 182। अब मुझे 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरा क्या है, 1 है। पहले इसे थोड़ा सा इक्वेशन को ठीक से लिख लेते हैं, माइनस 182 इज इक्वल टू 0, 182 इंटू 1 कितना, 182 कितना आएगा, 182 आएगा। अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या है, 1 आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, 182 के प्राइम फैक्टर करेंगे, पहले हम 2 से कैंसिल होगा 91, 7 से होगा 13। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो इसके फैक्टर हो नहीं सकते, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो बना 13, और ये कितना रहा 7 × 2 = 14, तो 14 - 13 कितना 1, ये हमारा 1 आ गया, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 था, ये 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं 14 - 13, इसे एज इट इज लिखेंगे, इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, इस 182 को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x - 13x - 182 इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 14 हो गया, माइनस इन दोनों में से क्या आएगा, 182 के फैक्टर क्या थे, 13 × 14, दैट मीन्स 13 अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो क्या रह जाएगा 14, तो 13 कॉमन गया, अंदर कितना रहा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 दोनों में कॉमन जाएगा, और अंदर कितना रहा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब
देखिए हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी -14 एंड एक आएगी x इज इक्वल्स टू 13। ये पॉजिटिव वाला उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 13 आएगा। और हमसे पूछा क्या था, लेट्स कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारे इंटीजर्स क्या आ गए, इंटीजर्स क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स हमारे आ जाएंगे 13 एंड दूसरा क्या x+1 यानी कि 14। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपरटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो इसने कहा एल्टीट्यूड जो है वो बेस से, लेट बेस को एज्यूम करेंगे, बेस इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड इसने कहा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7, ठीक है। और इसने कहा जो हमारा हाइपोटेनियस है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है दैट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी नो दैट। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, हाइपोटेनियस दैट मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी मतलब altitude, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसको करेंगे 169 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो गया 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x ऐसे ही रहा और ये 49 इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 169 माइनस 49, तो ये मेरा कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल्स टू 120, ठीक है। हाँ जी इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 अगर मैं कॉमन लूँगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू 2 into 60, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 60 इंटू 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 के फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करते हैं 60 के, 2 30 2 15 3 और 5, ठीक है जी, ये आएंगे इसके प्राइम फैक्टर। अब हमें कितना लाना है, 7 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4, 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं आएगा, 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, 10 और 6 का भी कोई पेयर नहीं बनता, 4 3 12 12 और 5 एग्जैक्टली 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया 7, तो इसे मैं कितना लिख सकती हूँ 12 माइनस 5, ठीक है जी, इंटू एक्स माइनस 60 और एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। इसे ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो x हमारा कितना आ गया 12 एंड माइनस 5, अब माइनस 5 तो होगा नहीं, कोई भी साइड किसी भी इस ट्राइंगल की नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो कौन सी एक्सेप्टेबल होगी, 12, दैट मीन्स हमारा बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो जितने उसने आर्टिकल्स किए होंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू, इसने कहा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. मतलब ये जितने प्रोड्यूस हुए हैं इसके डबल से, 2x से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है. तो ये कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी आ गई प्रोडक्शन थी ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ गई, 2x प्लस 3 आ गई. और टोटल इन्होंने कॉस्ट हमें कितने दिए, कितना टोटल हम इनका कितना आया है खर्चा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है ₹90. तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 90. अब हमें पता है टोटल कैसे निकालेंगे, एक चीज़ का मल्टीप्लाई इंटू एक चीज़ की कॉस्ट की मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इतना, एक दिन में आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए इतने, तो हमारी टोटल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90. इसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 इधर आ जाएगा, माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है जी, अब हमें इसके करने हैं फैक्टर. फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे. तो a इंटू c कितना आ जाएगा हमारा, 90 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 180. अब क्या करेंगे इस 180 के ऐसे फैक्टर की क्या है हमारा, ऐड या सबट्रैक्ट करके 3 आए. तो हम 180 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 90 2 45 5 3 9 3 3 3. ठीक है जी, ये आ गया हमारे 3 3 5 2 2, 3 3 9 और 4 5 20. 20 और 9 का तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं, 4 3 12 और 5 3 15, 12 और 15, 5 × 3 and 4 × 3. तो हमारा कितना आ गया, ये 15 − 12. तो इस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 15 − 12, बाकी सब एज इट इज़ लिखेंगे, −90 इज इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 15x −12x −90 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 तो कॉमन आएगा नहीं, क्या आएगा, x कॉमन आएगा. चलिए x कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचा हमारा, 2x प्लस 15. ठीक है, और इन दोनों में से क्या आएगा, −12 तो आ नहीं सकता क्योंकि 12 के पेपर पे टेबल में, 12 के टेबल में 90 नहीं आता. किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आते हैं दोनों, 6 कॉमन आएगा. तो ये कितना बचेगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हमारा 2x प्लस 15 कॉमन आया और अंदर क्या रहा, x माइनस 6. अब देखिए अगर हम इसे 0 के इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2. इज इट पॉसिबल कि हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो नेगेटिव में हो, या जो हमारी कॉस्ट हो वो हम नेगेटिव में रखें, नेगेटिव में तो रखेंगे नहीं, कॉस्ट तो पॉजिटिव में होगी, ऐसा तो है नहीं क्या.